activity we will discuss about the different uh, categories of insecticide what is insecticide their different categories and how to handle how to safely handle these insecticide or pesticides actually pesticide formulation is the mixture of active and inactive ingredient कॉमनली uh, आप फार्मर्स या जो भी स्टूडेंट्स uh, uh, किसी रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं उन्होंने पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड हर्बीसाइड ये वर्ड और घरों में भी रिपेलेंट्स डिफरेंट ये वर्ड्स ये कैटेगरीज आप लोगों ने सुनी होंगी तो उसमें जो है किसी भी पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड दैट इज़ दैमिकल दैट हैव द एक्टिव एंड इनएक्टिव इन्ग्रीडियट दैट वी विल यूज टू किल टू डैमेज आर रिपेल टू कंट्रोल द पेस्ट कोई भी इंसेक्टीसाइड पेस्टिसाइड जो हम पेस्ट को इंसेक्ट को किल करने के लिए रिपेल करने के लिए कंट्रोल करने के लिए यूज़ करते हैं जो हमारे लिए हार्मुल होते हैं तो डिफरेंट कैटगरीज यूज़ करते हैं नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द एक्टिव एंड इनएक्टिव इन्ग्रीडियंट एक्चुअली हर पेस्टिसाइड जो है उसमें एक्टिव और इएक्टिव इन्ग्रीडियंट होता है अगर आप पेस्टिसाइड की जो है वो पैकिंग को ध्यान से गौर से क्लिनली ऑब्जर्व करें तो वहाँ पे एक्टिव इन एंड इनएक्टिव इन्ग्रीडियंट मैंशन होंगे वहां पे उनका वेट परसेंटेज वॉलीम हर चीज जो है वो लेबल में मैंशन होती है तो एक्टिव इन्ग्रीडियंट इज द केमिकल जो कि एक्चुअली इंसेक्ट को कंट्रोल रिपेल या किल करता है दैट इज एक्टिव इन्ग्रीडियंट एंड इनएक्टिव इन्ग्रीडियंट

इनएक्टिव इंग्रेडिएंट और बेसिकली जो किल करता है दैट इज एक्टिव इंग्रेडिएंट और इन दोनों की परसेंटेज फार्मेशन इनके फार्मूलाज इनके वेट वॉल्यूम हर चीज़ जो है वो लेबल पे आपको पेस्टिसाइड की बॉटल पे हर चीज मैंशनड होती है वो आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं अब डिफरेंट कैटेगरीज हैं कि पेस्टिसाइड जो है वो किस किस कैटेगरी में हो सकते हैं ड्राई और सॉलिड फार्मोलेशन हैं डस्ट हैं इसके अलावा बेड्स हैं पैलेट्स हैं वेटेबल पाउडर हैं सोलबल पाउडर्स भी हैं रिपेलेंट एंड फ्यूमिगेंट्स ये वो डिफरेंट कैटेगरीज हैं जो हम डेली अपनी क्रॉप्स में अपनी इंडस्ट्रीज में अपने घरों में और डिफरेंट जहाँ भी जो है वो ह्यूमन लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है वहाँ पे इनको यूज़ किया जा सकता और है, पेस्टिस, आ, है और इसके अलावा जो है डिफरेंट पेस्टिस पेस्टिसाइड कंपनीज जो हैं और पेस्ट कंट्रोल कंपनीज जो हैं वो भी उनके पास जो है वो डिफरेंट अवेलेबल होते हैं फॉर एग्जांपल अगर आपकी कोई इंडस्ट्री है कोई फूड चेन है वहाँ पे या आपका कोई जो है स्टोर्ड ग्रेन की आपने जो है वो कोई आपके पास है लार्ज अमाउंट में कोई ग्रेन है जो स्टोर्ड है तो वहाँ पे आप किसी पेस्टिसाइड कंपनी की भी सर्विसेज अवेल कर सकते हैं वहाँ पे भी आपको जो है ये सर्विस अवेलेबल होती है कि वहाँ पे आप कंप्लें रिकॉर्ड करवाएँ कि ये पेस्ट का अटैक है और यहाँ पे हमें पेस्टिसाइड कंपनी की सर्विसेज अवेल करनी है तो वो कंपनी जो है वो अपनी न, जो है वो लेबर के साथ आती है और आपकी उस फूड चेन में आपकी इंडस्ट्री में आपके होटल में आपकी जो भी हाउस में या आपका कोई स्टोर है जहाँ पे ग्रेन बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पे आ, वो पेस्ट को कंट्रोल कर सकती है एंटोमोलॉजिस्ट मौजूद होते हैं जो इंस्फेक्शन करेंगे वो पेस्ट की जो है वो कौन कौन सी कैटेगरी वहाँ पे मौजूद है किस लेवल का डैमेज कॉज कर रहा है इकनॉमिक से ज़्यादा है आपको इकनॉमिकली एक्सपेंसिव हो रहा है उनका अटैक तो वहाँ पे एंटोमोलोजिट सजेस्ट करता है कि आपके पेस्ट ये ये पेस्ट का अटैक है और आपको कौन सी पेस्टिसाइड जो है वो सूट करेगी आपकी जो है लॉस को डिक्रीज करने के लिए आपके पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए एक्चुअली पेस्ट को मुकम्मल ख़त्म नहीं किया जा सकता पेस्ट नेचर में मौजूद है इसको आप मुकम्मल ख़त्म नहीं कर सकते पेस्ट वी विल कंट्रोल द पेस्ट वी कैन कंट्रोल द पेस्ट वी कैन ओनली डिक्रीज द डैमेज बाई पेस्ट हम सिर्फ उनके डैमेज को कम कर सकते हैं इकनॉमिक लॉस से कम कर सकते हैं वी विल नेवर टोटली फिनिश द पेस्ट फ्रॉम द फील्ड हम पेस्ट को मुकम्मल जो है वो ख़त्म नहीं कर सकते हम टोटली पेस्ट फ्री क्रॉप नहीं हो सकती पेस्ट हमेशा से नेचर में मौजूद रहता है हम सिर्फ उनके पापुलेशन को कंट्रोल कर सकती हैं उनके इकनॉमिक लॉस को कम कर सकते हैं ताकि वो फार्मर को बियरेबल हो इतना ज़्यादा लॉस ना हो कि वो उसकी यील्ड इतनी कम ना हो जाए कि वो फार्मर को कॉस्ट जो है उनकी ज़्यादा हो तो इसमें डिफरेंट कैटेगरीज हैं ड्राई एंड सॉलिड फार्मोलेशन जहाँ पर आपके पास पेस्टिसाइड ड्राई फॉर्म में आएगी सॉलिड फॉर्म में आएगी और उसमें डिफरेंट कैटेगरीज हैं कि वो आप किस तरह उसको अप्लाई करते हैं सॉलिड uh, फॉर्म uh, या ड्राई फॉर्म में uh, जो है डस्ट पाउडर कैटेगरी है इन डस्ट पाउडर देयर आर मैनी एडवांटेज एंड ऑफ डस्ट पेस्टिसाइड्स फॉर एग्जाम्पल वेन स्प्रिंकल द डस्ट पेस्टिसाइड इन द फील्ड डस्ट पेस्टिसाइड के लिए आपको नंबर वन फिजिकल कंडीशन इफ देयर इज अ विंड इन हाई स्पीड अगर आप डस्ट स्प्रिंकल कर रहे हैं डस्ट पेस्टिसाइड डस्ट मींस, डस्ट पेस्टिसाइड स्प्रिंकल कर रहे हैं यू हैव टू डिस्कस द वेदर फर्स्ट अगर विंड स्पीड ज्यादा है तो डस्ट पेस्टिसाइड जो है वो दूर तक जो है इसके पार्टिकल्स स्प्रेड कर जाएंगे इसके अलावा डस्ट पेस्टिसाइड इनहेल भी हो सकती है आइस में भी जा सकती है तो देयर आर डिफरेंट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डस्ट पेस्टिसाइड्स जिसमें जो है इसको आप सेफली हैंडल करने के लिए मास्क ज़रूरी है विंड स्पीड कम होनी चाहिए और इसके अलावा जो है जो स्प्रे कर रहा है इस पेस्टिसाइड को डस्ट को तो प्रॉपर उसकी क्लॉथिंग ऐसी प्रोटेक्टिव होनी चाहिए कि उसकी बॉडी इससे एक्सपोज ना हो और इसके अलावा जो है ये इनहेल ना हो मास्क वगैरह यूज़ करें सेकेंड इज़ द बेट और डस्ट पेस्टिसाइड के एडवांटेजेस ये हैं कि इसको जो है वो आपको आ, लेबर बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए आपको मशीनरी बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए इसको स्प्रेड करने के लिए और ईजी टू स्प्रेड है डस्ट नेक्स्ट इज़ द बेट एक्चुअली बेट आर द केमिकल दैट वी कैन इन एनी मटीरियल बेट कोई भी केमिकल हो सकता है जिसे आप फूड में ऐड कर सकते हैं शुगर में ऐड कर सकते हैं किसी भी तरह से आप इसको अपने फील्ड में अप्लाई कर सकते हैं गार्डन में ऑर्चिड्स में एक्चुअली बेट वहाँ पे यूज होता है व्हेन वी हैव टू कंट्रोल द पेस्ट ऑन लार्ज स्केल ऑन द लार्ज एरिया जब आपने पेस्ट को लार्ज एरिया पे कंट्रोल करना हो तो वहाँ पे आप बेट यूज़ करेंगे वी विल ऐड द बेट इन एनी फूड सिरप आप इसे पेस्ट को मोनीटर करेंगे वहाँ पे जो पेस्ट है उसकी जो फूड होगी अगर वो पेस्ट जो है किसी भी पार्टिकल को लाइक जो है किसी स्वीट को किसी शुगर सिरप में ऐड करके इसको तो आप बेट को अप्लाई कर सकते हैं और वो जो है पूरे गार्डन में आप मुख्तफ डिस्टेंस पे बेट को अप्लाई कर देंगे और पेस्ट जो है वो उस बेट की तरफ अट्रैक्ट होगा और ऑटोमेटिकली जो है वो आपको ईच प्लांट तक जो है वो स्प्रे नहीं करना पड़ेगा आपको वहाँ तक जाना नहीं पड़ेगा बल्कि पेस्ट जो है वो ख़ुद फूड की तरफ अटैक करे अट्रैक्ट होगा और अपनी फूड तक जो है अट्रैक्ट हो ख़ुद ही बेट तक आ जाएगा और जैसे ही वो बेट को जो है वो एज ए फूड लेगा तो वहाँ पे जो है वो उसमें एंटेंगल भी हो सकता है उसमें कैप्चर हो सकता है वहाँ पे वो जो है ट्रैप हो सकता है बेट के अंदर जिसकी वजह से आल ओवर द एरिया या लार्ज एरिया गार्डन वगैरह में किसी जो है इस तरह की जो जहाँ पे ऑर्चिड्स वगैरह हों जहाँ पे हर प्लांट को कंट्रोल करना मोनिटर करना पॉसिबल नहीं होता वहाँ पर आप बेट यूज़ कर सकते हैं पैलेट्स पैलेट्स दिस इज़ अनदर कैटेगरी ऑफ पेस्टिसाइड फार्मूलेशंस पैलेट्स वही कंट्रोल डिफरेंट पेस्ट बाय यूजिंग पैलेट्स जैसा कि आपने घरों में माइस वगैरह के लिए देखा होगा कि पैलेट्स यूज करते हैं पैलेट्स दिज आर द लाइक द स्मॉल पार्टिकल्स जिसमें डिफरेंट शेप्स के पार्टिकल्स होंगे जिन्हें डिफरेंट किसी भी पेस्ट की फ़ूड के अकॉर्डिंग डिफरेंट शेप्स दी जाती हैं कि आपका पेस्ट जो है किस तरह की फूड से जो है वो अट्रैक्ट होता है तो उस फूड की शेप के और साइज़ से सिमिलर इनको बनाया जाता है और पैलेट्स को जो है फिर वो पेस्ट ईट करेगा और आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं डस्ट और ड्राई फार्मूलेशन पेस्टिसाइड फार्मूलेशन का एक बेनिफिट ये भी है कि अगर आपका कोई बेट वग़ैरह है तो बेट क्रैवसिस में क्रैक्स में नहीं जा सकता वहाँ पे यह है कि जो ड्राई फार्मूलेशन है वो पाउडर हों या पैलेट्स वगैरह हैं या डस्ट फार्मूलेशन है तो आप इसे घरों में क्रैक्स क्रेवसीज घरों में दीवारों में दराड़ों में और डोर्स के पीछे इसके अलावा जितने भी क्रैवसेज होंगे वहाँ पे ये चला जाता है जबकि जो बेट वगैरह है उनको आप क्रेवसिस क्रैक्स और इस तरह आप जो है उनको स्प्रेड नहीं कर सकते और डिसएडवांटेज uh, क्या है कि अगर देर इज़ अ रेन देन डस्ट पेस्टिसाइड विल रन ऑफ विद द रेन वाटर किसी भी इस तरह की सिचुएशन में जब वेदर uh, फॉरकास्ट uh, uh, में रेनी कंडीशन हो तो आप डस्ट फार्मूलेशनस को एज ए पेस्टिसाइड यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि रेन के साथ वो फ्लो ऑफ कर जाएगा और आपका कॉस्ट आपका सारा जो है प्लान वो लॉस में जाएगा तो इसलिए जो है आपको वेदर फॉरकास्ट डिफरेंट फिजिकल फैक्टर्स वो मोनीटर करने होते हैं नेक्स्ट इज द वेटेबल पाउडर्स वेटेबल पाउडर्स इज अनदर कैटेगरी और इसमें भी पेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो पेस्ट जिनकी फूड जो है वो ड्राई नहीं है और वो बेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते तो उनमें भी जो है वो वेजटेबल पाउडर्स यूज़ किए जाते हैं और पेस्ट जो है वो वेटेबल पाउडर एज ए फूड लेगा उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा उनमें ऐसी जो है वो वेपर्स होते हैं ऐसी फ्यूमिंग एंड्स होते हैं जो उसकी तरफ उन्हें रिजेंबल टू देयर फूड वो अट्रैक्ट होते हैं अपनी फूड की तरफ तो जो है वो वेटेबल पाउडर्स उनके लिए हैं एंड एट अदर कैटेगरी इज़ द दोलोबल पाउडर्स सोलबल पाउडर्स वे कैन द दोलोबल पाउडर्स इन द ऑन द फूड ऑफ द पेस्ट आपका जो पेस्ट है जिसने आपके जो है ग्रेन्स को आपकी क्रॉप्स में आपके फील्ड में अटैक किया है तो आप सोलबल पाउडर्स को स्प्रे भी कर सकते हैं उनकी फूड में भी ऐड कर सकते हैं तो उनको कंट्रोल कर सकते हैं एन अदर कैटेगरी इज द रिपेलेंट्स रिपेलेंट्स आर कॉमनली यूज कैटेगरी ऑफ पेस्टिसाइड्स मोस्टली आप घरों में मॉस्किटो रिपेलेंट यूज़ करते हैं मॉस्कीटो रिपेलेंट देर आर मैनी फिजिकल डिवाइज दैट आर यूज टू रिपेल द मॉस्टोज एंड अदर मॉस्कीटो रिपेलेंट डिफरेंट कंपनीज डिफरेंट ब्रांड के मॉस्कीटो रिपेलेंट है जो आपको एज ए जेल मिलते हैं और आप उसे बॉडी पे अप्लाई कर सकते हैं और मॉस्टो दे हैव पंजेंट स्मेल और मॉस्कीटो जो है वो रिपेल होते हैं दे डिसक दैट डियर वेपर्स डेयर फ्यूमिगेंट्स तो जिसकी वजह से जो है वो रिपेल हो जाते हैं तो ये एक कॉमन मेथड है और रिपेलेंट जो है वो आ, हमेशा आइज़ वगैरह माउथ वगैरह से उनको आ, जो है वो टच नहीं किया जाता एंड अदर कैटरी इज़ द फ्यूमिगेंट्स फ्यूमिगेंट्स फ्यूमिग एंडस दिस इज़ द कैटेगरी ऑफ़ फ्यूमिगेशन जहाँ पे जो है वो आप पेस्ट को डिसलोकेट करने के लिए पेस्ट को जो है वो रिपेल करने के लिए फ्यूम्स यूज़ करते हैं फ्यूम्स यूज़ करेंगे स्मोक लाइक स्मोक तो उसमें जो है वो पेस्ट uh, आपका जो है वो डिसलाइक करेगा उन फ्यूम्स को और आप उसे डिसलोकेट uh, कर सकते हैं फ्यूमिगेंट्स में भी यही है एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के फ्यूम fume, फ्यूम्स जो है वो इनहेल भी हो सकते हैं आइज़ में एलर्जी कॉज करेंगे बॉडी में और बॉडी को प्रॉपरली सेफली हैंडल करने के लिए कवर करें मास्क यूज़ करें गॉगल्स यूज़ करें और आपके पास जो है वो uh, लॉन्ग शूज चाहिए स्प्रे करने के लिए और वाटर इनटेक ज़्यादा करें इसके अलावा ग्लव्स यूज करें तो दीज आर द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड विल द कैटेगरी अबाउट द अटैक ऑफ द पेस्ट आपके क्रॉप पे पेस्ट अटैक कितना है उसके अकॉर्डिंग आप जो है उनकी डाइल्यूशन बनाते हैं कि आपको कितनी परसेंटेज में स्प्रे करना है आपके अटैक कितना है और ये सारा मोनीटर करने के बाद जो है वो कॉमनली फार्मर्स लोकल लेवल पे अपने एक्सपीरियंस की बेस पे भी डिफाइन कर लेते हैं अदरवाइज दिस इज़ द जॉब ऑफ एंटोमोलॉजिट टू डिफाइन द डायलूशन टू डिफाइन द परसेंटेज बाई मोनीटरिंग द अटैक ऑफ द डिफरेंट पेस्ट ऑन देअर क्रॉप्स So, this is the basic job of entomologists. But farmers uh, apply on their um, visual basis and their experience. They uh, apply different pesticides locally and um, they control their uh, attack of the pest on their crops.